नमस्कार। एक समय था जब यात्रियों के रेल के टिकट बुक करवाते वक्त कई घंटे लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, लेकिन इंटरनेट और टेक्नोलॉजी ने अब इस दायरे को कम कर दिया है। अब आप बड़े ही आसानी से घर पर बैठे कहीं का भी रेल टिकट बुक करा सकते हैं, यानी अब इस काम को बड़े ही आसानी के साथ साथ यात्री मोबाइल ऐप के जरिए कर सकते हैं। लेकिन हम रिजर्व टिकट की नहीं बल्कि बात कर रहे हैं अनरजिस्टर्ड टिकट की। जी हाँ, दरअसल आप UTS मोबाइल ऐप से घर बैठे बैठे अनरजिस्टर्ड टिकट बुक करा सकते हैं। फिर टिकट का प्रिंट आउट डायरेक्ट रेलवे स्टेशन पर मौजूद ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन से निकाल सकते हैं। भारत में ये सर्विस कई रेलवे स्टेशन पर मौजूद है, लेकिन UTS ऐप का इस्तेमाल आपको कैसे करना है, चलिए ये आपको समझाते हैं। तो टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन में ऑन मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है। अब इंस्टॉल करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर इसमें रजिस्टर करवाना है और फिर आपको यहाँ अपनी आईडी बनानी होगी। अब यहाँ आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे। देखिए, इनमें पहला होगा बुक एंड पेपर, जो कि पेपरलेस होगा, और दूसरा होगा बुक एंड प्रिंट का। इनमें से आप कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं। अगर आप पेपरलेस का चुनाव करते हैं तो आपको स्टेशन पर मौजूद टिकट वेंडिंग मशीन से टिकट निकालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होगी। वहीं अगर आप पेपर का चुनाव करते हैं तो आपको स्टेशन पर मौजूद टिकट वेंडिंग मशीन से टिकट निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर आपको स्टेशन सिलेक्ट करना होगा। अब यहाँ आपको जहाँ से जहाँ तक जाना है उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा, और इसके बाद आपको टिकट की सभी डिटेल्स दी जाएंगी और नीचे गेट फेयर का ऑप्शन मिलेगा। अब इस पर क्लिक करने के बाद आपको टिकट के पैसे पता चल जाएंगे। अब देखिए, ध्यान रहे कि आपको इसके लिए अपने वॉलेट में पैसे रखने होंगे। फिर आपको बुक टिकट पर क्लिक करना होगा और इसके बाद आपकी टिकट बुक हो जाएगी। जब टिकट बुक हो जाएगी तो उसके बाद बुकिंग आईडी जारी होगी, और अगर आपने पेपर टिकट का चयन किया है तो आपको रेलवे स्टेशन पर जाकर ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन में प्रिंट टिकट ऑप्शन को सिलेक्ट कर अपना मोबाइल नंबर और बुकिंग आईडी नंबर दर्ज करना होगा। अब इस पूरे प्रोसेस के बाद आपको अपना टिकट मिल जाएगा। और अब अगर आपको भी अपना अनरजिस्टर्ड टिकट बुक कराना हो तो आप भी इस ट्रिक को अपना सकते हैं।